अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फनलीशियस। आज मैं हाजिर हो चुका हूँ अपनी एपिसोड 11 के साथ इस जैमसून सीरीज़ की, और आपका रिस्पॉन्ड देख के अच्छा लगता है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आए हुए होते हैं, लोगों की डिमांडिंग आ रही होती है कि इस स्टोन पे बनाएं, आप इस स्टोन पे बनाएं, तो वो देख के बड़ी अच्छा फीलिंग आ रही होती है। अच्छा, मैं वीडियोज़ एक और वजह से बना रहा होता हूँ। जैमसून के बारे में जितना गलत फहमियाँ फैली हुई ना सोशल मीडिया के ऊपर, और दूसरे दूसरे जो वीडियोस बना रहे होते हैं कुछ भी मतलब बोल रहे हैं यार। मैं खुद एक चैनल है, पहले उसका आपके साथ जिक्र किया था, अब एक और चैनल मैंने देखा है, वो भी बहुत मशहूर चैनल है, लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ है, व्यूज़ भी इतने ज़बरदस्त केस में आ रहे होते हैं, सब कुछ है, और बातें वो ऐसी कर रहे होते हैं कि जैसे हंसी आ जाए मुझे। काफ़ी अजीब बात कर रहे थे कुछ। अच्छा, दो स्टोन मेरे फेवरेट हैं, उसमें से एक स्टोन के बारे में ऐसी बात करी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा इस पर बात ज़रूर करूँगा मैं, क्योंकि मेरे फेवरेट स्टोन को छेड़ा है इन लोगों ने। तो वो ये कह रहे हैं कि यार स्टोन को ना दूध में डुबो के रखो। क्यों भाई, मतलब स्टोन पाल रहे हो या सांप पाल रहे हो, क्या कर रहे हो, दूध पिला रहे हो? ये अजीब, मतलब अंग्रेज भी सोचे ना कि कैसी कौम है, दूध में स्टोन रखो। यार ये क्या होता है कि दूध में रखो वो चार्ज हो जाएगा और इसमें रखो, ये चीज़ें पता नहीं क्या है। आई डोंट नो कि येलो स्टोन पहन रहे हैं तो येलो दाल का सदका दे दो, रेड पहन रहे हैं तो गोश्त का सदका दे दो, क्यों भाई? ये क्या कोई लिंक है, क्या बटन वटन है क्या स्टोन का, क्या है? बस इस तरह की बातें सुन के ना मेरा दिल चाहता है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ तो पता चले कि ओरिजिनल बातें होती क्या हैं स्टोन के। कोई ऐसा नहीं कि जेमोलॉजी के हवाले से बात करेंगे या एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि कौन से स्टोन किस स्टार का है, क्या है, ये बताएंगे कि दूध में रख लो, तो ये अजीब बात है। खैर, मैं आज इस जिस स्टोन को आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, ये वो फैमिली का स्टोन है कि जो मैंने संभाल के रखा हुआ था कि कभी आगे फुर्सत से जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लूँगा जब बनाऊँगा इस पर वीडियो। मेरे फेवरेट स्टोन सफायर फैमिली, तो ये उसी फैमिली का स्टोन है, ब्लू सफायर, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोन, और उसी का भाई येलो सफायर जिसे पुखराज कहते हैं। आज मैं आपसे उसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, और ये मेरे पास एक पुखराज का पीस मौजूद है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना लकी शान है, खूबसूरत जर्द कलर का होता है ये, और ये पहनने में इतना खूबसूरत लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन का खिताब इसको मैं दे सकता हूँ। इसके अंदर आप देखें, जिस भी स्टोन को आप देखेंगे ओरिजिनलिटी के हवाले से, कि उसके अंदर हल्का सा रेशा होता है। अगर एकदम कोई चीज़ क्लियर है वो शीशा है। अगर देखें, परफेक्शन दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, अगर आपको कोई परफेक्ट चीज़ मिल रही है ना तो वो आपको शीशा मिलेगी, क्योंकि आप अगर कोई फल भी तोड़ दें ना तो उसमें भी खराश तराश खराश आ जाती है। तो इसके अंदर भी इसी तरह रेशे होते हैं जो कि कुदरती तौर पे होते हैं भाई, ये इसीलिए तो स्टोन अगर निकाला जा रहा है कहीं से तो वो कुदरत ने बनाया है ना उसको, तो इसीलिए अगर आप इसको चेक करेंगे अंदर, इसके अंदर हल्का सा रेशा होगा। अगर आपको क्लियर स्टोन मिल रहा है तो दैट्स मीन इट्स अ डाउटफुल, कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर मिल रहा है कि उसमें अंदर ग्लास फिलिंग करी हुई है या क्या किया हुआ है। अच्छा, ये स्टोन परचेज़ करते वक्त लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 कलर्स में आता है, इसके कलर्स की वेरिएंट होते हैं इसमें। उसकी वजह यह है कि ये बहुत सारी जगहों से एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है, बैंकॉक से, बैंकॉक स्पेशलिटी है, श्रीलंका स्पेशलिटी है, श्रीलंका से बहुत ज़्यादा, श्रीलंका में ये सफ़ायर्स के भरमार हैं, मतलब ब्लू सफ़ायर सिलियन जिसे कहते हैं वो भी श्रीलंका से निकलेगा, येलो सफ़ायर, श्रीलंका इज़ सफ़ायर की जन्नत है, वो तमाम वाइट सफ़ायर जो बहुत रेयर है वो वहाँ से मिल रहा होता है, सिलियन नीलम बहुत मशहूर है, नाम से बिकता है, और ये येलो सफ़ायर इसी तरह बैंकॉक से निकलता है, थाईलैंड से बहुत अच्छा निकलता है, थाईलैंड का क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, अफ्रीका से निकलता है, साउथ अफ्रीका से निकलता है, थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका, ये जगह है यहाँ से, और इसमें वेरिएशन आती है जहाँ से वो निकल रहा होता है इसके कलर्स में डिफरेंस आता है, तो आप टोका खा सकते हैं, लेकिन अच्छा जो है वो बैंकॉक का है और ये श्रीलंका जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये तो हो गया येलो सफ़ायर, इसकी थोड़ी सी आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से किस तरह की एक्सेशन होती है। ये सफ़ायर फैमिली का स्टोन है, सफ़ायर जो भी होते हैं
वो हीलिंग स्टोन नहीं होते, रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो, हीलिंग स्टोन्स नहीं होते, सफ़ायर सारे फॉर्चून स्टोन होते हैं। तो बहुत ध्यान से पहनिएगा आपके ये। अच्छा, ये है जुपिटर का स्टोन, ठीक है, येलो सफ़ायर जुपिटर और ब्लू सफ़ायर सैटर्न। मैं जो हूँ, क्योंकि मैं पाइसिस हूँ, मेरा हाकिम सयारा सैटर्न है, तो मैं ब्लू सफ़ायर पहन सकता हूँ। और अगर मेरा किसी का जो वो स्टार जिनका रूलर प्लैनेट जुपिटर है, वो येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। दीज टू फिंगर्स हमेशा याद रखिएगा, ये जुपिटर की फिंगर है, ये सैटर्न की फिंगर है। जुपिटर से रिलेटेड तमाम स्टोन्स इस फिंगर में पहने जाएंगे और सैटर्न से रिलेटेड तमाम स्टोन इस फिंगर में पहने जाएंगे। तो येलो सफ़ायर की फिंगर इस हिसाब से कौन सी हुई, ये वाली हुई। इंडेक्स फिंगर इज अ फिंगर फॉर येलो सफ़ायर। अच्छा, अब इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ, ये तो हुई डेफिनेशन। अब इसके आते हैं बेनिफिट्स के हवाले से। भाई देखें, आपने अमिताभ बच्चन और जितने भी इंडियन मशहूर लोग हैं, उनको उनकी फिंगर्स में आपने ये ब्लू येलो सफ़ायर्स देखा होगा। वजह उसकी ये क्या है, वो ये, इसे शोहरत का पत्थर कहा जाता है भाई। ये आपको शोहरत दिलाता है। कीपिंग इन माइंड के मैं शोहरत की जो बात कर रहा हूँ, वो पॉजिटिव शोहरत के हवाले से बता रहा हूँ, नेगेटिव शोहरत नहीं भाई। पॉजिटिव शोहरत दिलाता है आपको, अगर ये सूट कर गया तो आपको ये फेमस बनाता है पत्थर एक तरह से। आप लोगों के दिल में आपके लिए इज्जत दिलवाता है, शोहरत का पत्थर कहलाता है ये। तमाम जितने भी एक्टर्स हैं, ज़्यादातर इसको वेयर करना पसंद करते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर में। जुपिटर होता ही आपकी नेक नामी और बदनामी का प्लैनेट है। उसकी मूवमेंट्स आपके स्टार्स पे नेक नामी और बदनामी के इफ़ेक्ट्स लेके आती हैं। तो ये उसको, उसकी जितनी भी रेज हैं उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करके आपकी फिंगर के थ्रू आपकी बॉडी में इनहेल करता है, जिससे आपके अंदर जो एक समझ लें लेयर जो आती है, उससे आपकी तमाम लोग जिनसे आप मिल रहे होते हैं, वो आपको अच्छा इज्जत दे रहे होते हैं, आपको शोहरत दे रहे होते हैं, आप ऐसा ऐसा मशहूर होने लगते हो। ये इस स्टोन की खासियत में से एक है। अच्छा, ये तो हो गई कि ये सारी बातें। इसके अलावा फॉर्चून पे किस तरह असर कर रहा होता है कि ये आपको, जाहिर सी बात है, इज्जत के साथ साथ जो दूसरा एक्सपेक्ट होता है, इज्जत और दौलत हमेशा आपने सुना होगा दो नाम एक साथ लिए जाते हैं ना, तो इसी तरह ये दो भाई हैं सफ़ायर्स। ब्लू सफ़ायर इज़ फॉर वेल्थ एंड येलो सफ़ायर इज़ फॉर फेमसनेस, कि आप कितने मशहूर हो रहे हैं, आपकी वेलविलिंग कितनी, आपकी गुडविल कितनी अच्छी जनरेट कर रहा है। ये दो सफ़ायर्स इन दोनों कामों के लिए हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो डिपेंडिंग ऑन, यार मैं इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल वे में बात नहीं करता, जो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल लोग हैं वो इसको बता सकते हैं, कि मेरे कुछ जानने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दोनों हाथों में एक एक सफ़ायर पहना हुआ है, ब्लू सफ़ायर और येलो सफ़ायर। अब मुझे नहीं पता, ये आप लोग सर्च करके बता सकते हैं कि कमेंट में, कि ये दोनों पहने जा सकते हैं क्या, एक वक्त में एक इंसान ब्लू सफ़ायर और येलो सफ़ायर पहन सकता है, नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पहन सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब दोनों की अलग अलग फीलिंग्स है। मतलब देखें, इसकी मिसाल इस तरह है कि आपके अगर सर में दर्द हो तो आप जो है वो पैरानोल खाएं, फिर उसके साथ साथ ब्रोफिन भी खा लें, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप या तो एक सर के दर्द के हवाले से एक टैबलेट लेंगे ना, कि आप उस पर बिलीव करेंगे कि वो आपका सर का दर्द सही करेगी। दो टैबलेट्स हालांकि दोनों ही सर के दर्द की हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ आप नहीं लेंगे, क्योंकि एक वक्त में एक स्टोन इसलिए रिकमेंड किया जाता है। ज़्यादातर जो लोगों की रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है कि भाई आप एक वक्त में एक स्टोन में ना, अगर वो काफ़ी फॉर्चून स्टोन है, हीलिंग स्टोन, तो चलो चला सकते हैं, ये कर सकते हैं कि एक फॉर्चून और एक हीलिंग स्टोन पहन लें। लेकिन दोनों अगर फॉर्चून, मतलब रूबी के साथ, आप रूबी के साथ अगर आप या वो पहन लें, येलो ब्लू सफ़ायर, नीलम और रूबी एक साथ पहन लें, तो समझ लें आप चलता फिरता बॉम्ब बन जाएंगे आपकी, मतलब इतना वो, या तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको चकरा के गिरा देगा, इतने दोनों पावरफुल स्टोन आप एक साथ पहन लें अगर, क्योंकि रूबी सन का स्टोन है, वो भी बहुत पावरफुल स्टोन है, और ये दोनों सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, ये भी बहुत पावरफुल स्टोन है। तो फॉर्चून स्टोन एक साथ नहीं पहने जाते, अगर आप कॉम्बिनेशन भी बनवाते हैं तो एक फॉर्चून और एक हीलिंग स्टोन का बनवाते हैं। तो ये सारी बातें मैं करना चाह रहा था। अच्छा, ये इतने मेरे फेवरेट स्टोन है कि एक वीडियो पे, एक एपिसोड में मैं इनकी तमाम बातें कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। अब मैं चलता हूँ लास्ट एंड पार्ट की तरफ, वो है इसकी प्राइस के हवाले से। अगर आप ये लेते हैं, और ये बहुत अच्छे कट का मिलता है, अगर आपको सीलियन मिलता है या बैंकॉक का मिल जाता है या थाईलैंड का मिल जाता है, तो उनकी प्राइस
आपको मिलेंगी 2500 से 3000 पर कैरेट के हिसाब से। साउथ अफ्रीकन जो होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अगर ये हीटेड ट्रीटेड नहीं है और आपको प्योर फॉर्म में मिल रहा है, तो आप अपना माइंड सेट करके जाइएगा ख़रीदते वक्त कि 25 to 3000 पर कैरेट के हिसाब से मिलेगा। तो तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये का, या 3 कैरेट का अगर लेंगे तो 9000 बन जाएंगे। इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतने रुपये का ये मिल सकता है अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं। और आपको तो पता ही है, स्टोन्स के साथ अगर आप मुझसे लेना चाहें तो आप इस डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर आ रहा है, वहाँ मुझे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता स्टोन के ओरिजिनल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप सर्टिफिकेट के साथ ले सकते हैं। उसके 1100 रुपीज़ अलग से चार्जेस होंगे, और वो गैलेक्सी के नाम से लेबॉरेटरी है जो कि सर्टिफाइड है। वो आप चेक भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाके, सर्टिफिकेट नंबर डाल के आपका स्टोन का सर्टिफिकेट का तमाम डिटेल आ जाएंगी। तो वो सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मैं प्रेफर भी करता हूँ, जब आप स्टोन ले ही रहे हैं इतना महंगा, तो 1000-1200 रुपये खर्च करना क्या आएगा। 1000-1200 खर्च करके तकरीबन आपके दिमाग मेंटल सेटिस्फेक्शन तो होगी कि जो आपने चीज़ पहनी हुई है वो ओरिजिनल है। तो ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। फिर चांदी के रेट के हिसाब से उसकी चांदी की रिंग भी, मैं आप उससे अगर कंप्लीट पैकेज की बात करेंगे तो रिंग के साथ भी, विद रिंग एंड विद सर्टिफिकेट भी मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, ये तमाम चीज़ें मैंने पुखराज के बारे में बताई हैं आपको। अब मैं मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए स्टोन्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।